So, बात करते हैं हम बेसिकली डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के हवाले से कि चीज़ें बहुत पहले तो हम बात करेंगे इसी वाले से कि इतना कॉमन क्यों हो गया. ऑब्वियसली एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया थोड़ा सा हमारे, हम बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई, हमारा खाना जो है उतना हेल्दी नहीं रहा बहुत से रीजंस की वजह से, एंड अदर्स रीजन जिसकी वजह से ये बेसिकली डिजीजेज जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं. बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और लाइफस्टाइल की वजह से ये सारे सर्कमस्टेंसेस जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली हमारी रूटीन इस तरह की डेवलप हो गई है, आइदर वी आर स्कूल गोइंग, वी आर कॉलेज गोइंग और ऑफिस गोइंग, हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे होते हैं, अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारा थ्रू आउट द डे डाइटरी रूटीन जो है, ये डाइटरी पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है. सेकेंडली स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऐड कर रहा है. और ऑब्वियसली जैसा कि अभी आपने बात भी की थी कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी खत्म होगी, हम बहुत ज़्यादा बैठे रहना जो है वो प्रेफर करते हैं. प्लस क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी गोइंग की अगर हम बात करें या ऑफिस गोइंग की, हम सुबह से शाम तक क्योंकि बैठ के काम कर रहे होते हैं स्टैटिक, तो जब हम घर जाते हैं या हम ऑफिस से बाहर जाते हैं तो हमें फील होता है हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जिसकी वजह से भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो गई है या बहुत ज़्यादा कम हो गई है. प्लस इन्वायरमेंटल इशूज, अब जिस तरह समर्स की अगर बात करें तो फिर भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, सही बात है. विंटर्स में तो भाई नाम ले ले कोई एक्सरसाइज करने का नहीं होती भाई, एक महीना तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट डिफिकल्ट हो जाता है, सर्दी लग रही है, बाहर नहीं जा सकते, अगर बिस्तर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल ऐसा ही. और इसके अलावा अगर कोई बुजुर्ग हैं घर में तो उनको जॉइंट्स इश्यूज जो है वो ऑलरेडी हैं, जिसकी वजह से भी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है या नहीं होती, जो कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में इंक्रीज लेकर आ रही है. लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ द डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर, कि बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि हमें डायबिटीज भी हो जाता है और हमें ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ जाता है, हम किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं? बेसिकली तो ये अगर हम रीजंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा रीजन है कि आपको स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, आपके जेनेटिक्स में अगर है ऑब्वियसली उसकी वजह से भी हो सकता है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन है तो वो एक बहुत मेजर आपके पास रीज़न आ रहा है कि आप वेट गेन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस में आ जाते हो. जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में आते हो तो ऑब्वियसली आप डायबिटिक जो है वो हो जाते हो. प्लस आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डायबिटीज़ को, मैं अक्सर पेशेंट्स को कहती हूँ बाय वन गेट ऑल फ्री, तो आप डायबिटिक अगर आप हो रहे हो तो आपको हार्ट का इशू आ रहा है, आपको किडनी का इशू आ रहा है, आपको लिवर का इशू आ रहा है, यू हैव किडनी प्रॉब्लम, यू हैव आई प्रॉब्लम, एंड यू नो लॉट ऑफ सारे के सारे इश्यूज आपके पास जो वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो एक जो है वो समझ लें कि आप बीमारियों के अंदर ही जाना स्टार्ट हो जाते और वो हैं. एक चीज जो है वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है, आपके खाने पे और आपके एक्सरसाइज पे, आपकी डाइट पे डिपेंड करती है. तो अब हम आ जाते हैं डाइट पे कि हम डायबिटीज अभी नहीं है पेशेंट को, अभी हम मान ही जा रहे कि हम डायबिटीज से बच जाएं तो हमारी क्या बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हमारे फूड में क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए. अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं बेसिकली, तो टाइप 2 की प्रिवेंशन के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि आप इस तरह की डाइट इस्तेमाल करें जिसके अंदर आपके पास फाइबर बहुत ज़्यादा मांग सही है, एंड फाइबर जिसमें आपके पास अगर आप चपाती इस्तेमाल करें तो गो फॉर जो गंदम की आटा की रोटी है या जौ के आटे की रोटी है वो आप ऐड कर सकते हैं. अगर आप ब्रेड पर्सन है, लेकिन सुबह सुबह कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम रोटी नहीं खा सकते, यू वॉन्ट ब्रेड, तो ब्रेड कोशिश करें मल्टीग्रेन या ब्रांड ब्रेड, एज कम्पेयर टू व्हाइट ब्रेड, क्योंकि व्हाइट ब्रेड के अंदर फाइबर की कंटेंट बहुत ज्यादा कम है.